सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड बेबी। सो आज मैं आपको बताऊंगी जिनकी डिलीवरी पास है, यानी कि नेक्स्ट मंथ सितंबर ये लग चुका है, जिनकी अक्टूबर में डिलीवरी है या नवंबर में डिलीवरी है, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप अब अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लीजिए, और हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो 9 मंथ लगते हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाती है, 1 वीक के बाद भी हो जाती है, 2 वीक के बाद भी हो जाती है, तो कभी भी हो सकती है। 9 मंथ जैसे ही आपका स्टार्ट हो, आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक लिस्ट। उस लिस्ट में आप सारे आइटम्स लिख लीजिए जो भी बच्चे के लिए आपको जरूरी है, आपके लिए, मदर के लिए, मतलब जो चाहिए, उन आइटम्स को आप लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद उनको परचेज करके आप एक बैग में पैक कर लीजिए, वही आपका हॉस्पिटल बैग रहेगा, उसकी आपको काफ़ी नीड पड़ेगी हॉस्पिटल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या आइटम्स रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले अपने आईडी प्रूफ रखने होंगे, आईडी प्रूफ आपको चाहिए चाहिए, पहले आप अपने आईडी प्रूफ रख ले, फर्स्ट थिंग। अब हम बात करते हैं बेबी की। तो बेबी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट थिंग उसमें है नैपीज। नैपीज बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, और कॉटन की नैपीज आप मार्केट से ले सकते हो, या आप अपने घर में भी रेडी करवा सकते हो, किसी टेलर से रेडी करवा सकते हो कॉटन की नैपीज। तो नैपीज आप एटलीस्ट 15 नैपीज आप बनवा के रख लीजिए, या रेडीमेड आप ले लीजिए, इनको परचेज कर ले। फर्स्ट है नैपीज, तो इसको आप रेडी कर ले। आप अगर डायपर पहनाना चाहते हैं तो डायपर भी आप ले सकते हैं, स्मॉल साइज डायपर, न्यूबॉर्न बेबी डायपर, अगर आप डायपर पहनाना चाहते हैं। वैसे मेरा सजेशन तो ये है कि स्टार्टिंग के टाइम पे आप नैपीज यूज करें, स्टार्टिंग के कुछ डेज तक, क्यों बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जैसा ये क्लाइमेट अभी तो ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा विंटर हो तब भी डायपर सही है, बट अगर ये बीच का जो क्लाइमेट है जिसमें गर्मी ह्यूमिडिटी टाइप है, उसमें तो आप नैपीज यूज करोगे तो बेटर रहेगा। तो नैपीज आप ले लीजिए, क्योंकि बच्चे जो है सुसु पॉटी बहुत जल्दी जल्दी करते, तो बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी आपको नैपीज की। नेक्स्ट थिंग है कि आप बच्चों के लिए कपड़े ले लीजिए, एटलीस्ट आपको मतलब 7-8 पेयर तो आपको अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर तो आपकी नॉर्मल होगी तब तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, बट अगर आपकी सीजेरियन होगी तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 पेयर आप बच्चे के क्लोथ्स रख ले, बच्चे के लिए आप कैप भी रख ले, कैप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डिलीवरी अक्टूबर या नवंबर में है तब तो आपको विंटर के हिसाब से कैप लेनी है, और अगर अभी सितंबर में ही है तो आप वो कॉटन की कैप ले लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। मिटन आप ले सकते हो हाथों को कवर करने के लिए बच्चे के, और उसके बाद आपको लेना है बच्चे को, जैसे मतलब बॉर्न होता है बच्चे का, जैसे ही बर्थ होता है तो उसको नहलाया जाता है, तो नहलाने के लिए आप टॉप टू टॉय यूज कर सकते हो। ये जॉनसन का भी आता है, पतंजलि का भी आता है, मैंने पतंजलि का लिया था टॉप टू टॉय, वो शैम्पू और सोप दोनों का मतलब वर्क करता है, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये भी आप परचेज करके रख ले। पाउडर आपको नहीं यूज करना है, वैसे बहुत लोग करते हैं यूज, बट मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और नहीं भी लेना चाहोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो नहलाने का भी हो गया, और अगर विंटर्स मतलब आपका बेबी अक्टूबर के बाद डिलीवर होगा, बहुत विंटर्स होगी, तो आप विंटर के हिसाब से काफी मतलब स्वेटर्स वगैरह जरूर रखे। और आपको लेने हैं ब्लैंकेट्स, अभी जैसे सेप्टेम्बर का सीजन है तो आपको ब्लैंकेट्स कैसे लेने हैं, आपको कॉटन में लेने, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, और अगर आपकी डिलीवरी होगी अक्टूबर के बाद या अक्टूबर लास्ट में, तो आपको ब्लैंकेट विंटर के हिसाब से मतलब हल्के से गर्म, ज़्यादा गर्म भी नहीं, हल्के गर्म आपको ब्लैंकेट लेने पड़ेंगे। तो ब्लैंकेट भी बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है स्वेडलिंग करने के लिए स्टार्टिंग में, तो ब्लैंकेट भी आप ले लें। इसके बाद मैं बात करूंगी मदर के लिए, बच्चे के लिए मतलब इतनी आइटम्स सफिशियंट है, उसका नहाने का हो गया बेबी वॉश, और उसके कपड़े हो गए बेबी के, उसकी नैपीज हो गई, और सॉक्स, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको रखनी है। सॉक्स भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी विंटर में डिलीवरी है सॉक्स बहुत ज़रूरी रहेगी, 4-5 पेयर, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। अब हम बात करेंगे मदर के लिए आपको क्या क्या रखना है, मतलब अपने लिए आपको क्या क्या चाहिए आइटम्स। तो अपने लिए आप अपने गाउन्स ले लीजिए, गाउन्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं जब आपकी डिलीवरी टाइम रहता है उस टाइम पे। तो गाउन्स कैसे लेने हैं, फ्रंट ओपन लेने, क्योंकि आपको फिटिंग कराने के लिए दिक्कत नहीं रहेगी अगर फ्रंट ओपन आपके गाउन्स रहेंगे, आगे से मतलब उसमें जीप लगी होगी, तो इस टाइप के गाउन्स आप परचेज कर ले। तो आपको अपने भी एटलीस्ट मतलब 5 पेयर तो आपको अपने रखने ही पड़ेंगे,
क्योंकि हम सिजेरियन का भी मान के चलते हैं, नॉर्मल का तो चलो एक दिन रहता है, जैसे मैं रही थी मतलब रात को रहे हम और सुबह हम आ गए थे, बट सिजेरियन में तो 4 दिन लग जाते हैं, कई बार कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो आप एक्स्ट्रा स्टॉक रख लें और आप अपना कॉम, ब्रश, ये सारी छोटी मोटी चीजें एक पैकेट में बना के इनको भी आप अपने पर्स में रख लें, डॉक्यूमेंट्स रख लें, बस इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। और मैटरनिटी जो पैड्स हैं वो आपको हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, अगर हॉस्पिटल प्रोवाइड ना करे इन केस तो आप अपने पैड भी रख लीजिए, क्योंकि इसकी भी काफी जरूरत आपको पड़ेगी डिलीवरी के बाद मैटरनिटी पैड्स की। और एक सजेशन मैं देना चाहूंगी, आप पैंटीज तो जैसे रखोगे कॉटन की जो भी आपके है, बट अगर आप डिस्पोजेबल पैंटी जिस टाइम परचेज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो उनको वॉश नहीं करना होता स्टार्टिंग के दौर में, होता है आप क्योंकि बाथरूम तक नहीं जा सकते हो, तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करती है। इनको आप बस यूज एंड थ्रो करना है, आप पहन के बस इनको फेंक दीजिए डिस्पोजल पैंटीज को। इनका मैंने सेट्स मंगवाया था अमेजन से उस टाइम पे, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूंगी। तो पैंटीज बहुत हेल्पफुल रही थी मुझे उस टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और मैटरनिटी बेल्ट आप ले सकते हैं अभी से अगर आप चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, वो आप बाद में भी ले सकते हो। तो मैटरनिटी ब्रा आप ले लीजिए उस टाइम पे, आपको ब्रास की भी मैटरनिटी ब्रा की जरूरत पड़ेगी आपको उस टाइम पे, तो ब्रा भी आप कंफर्टेबल ही रखना, जिस क्योंकि आपको फीडिंग करानी है, इस बात को आप ध्यान पे रखें, उस हिसाब से सारी चीजें रखें। तो बस ये सारी चीजें आपको अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेनी है, बस आप जिनका 9 मंथ स्टार्ट हो गया वो सारे आइटम्स की लिस्ट बना के इनको परचेज करके एक बैग में बना के रख ले तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है जो जो आपको नीड रहती है उस टाइम पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच।